हाँ उसी वाली दुकान से लेके आई थी। देखिए एक तो मैं ये लेके आई थी बनारसी साड़ी, ये देखा ना इसका पल्ला खोलना, और बनारसी साड़ी ना मैं पहली बार ही लेके आई हूँ अपने लिए, अभी तक मैंने पहनी नहीं है जब से मेरी शादी हुई है। देखिए मैं उस दिन लेके आई थी, जिस दिन साड़ियाँ खरीद के लाई थी ना उस दिन मैं चूड़ियाँ लेके आई थी। एक ये साड़ी की मैच की है और दूसरी ये है, ये भी ग्रीन है और दूसरा इसमें भी ग्रीन ही कलर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैंने अपना जो ब्लॉग है वो कर दिया है स्टार्ट। तो इधर मैं बना रही हूँ पालक की कढ़ी। तो इसमें देखिए मैंने तड़का लगा दिया है, और इसमें मैंने तड़का लगाया है प्याज और लाल मिर्च, जीरा और हींग का। तो बस ये देखिए इसमें आ गया उबाल, और अब मैं डाल दूंगी इसमें पालक। पालक की कढ़ी ना काफ़ी अच्छी लगती है, और वैसे तो मालूम क्या होता है, खासकर बच्चे हो गए, बड़े तो समझदार होते हैं तो वो खा भी लेते हैं पालक, लेकिन बच्चे पालक खाते नहीं हैं जल्दी से। शायद हर किसी के घर में ऐसा होता होगा, और ऐसे कढ़ी में डाल दो ना तो बच्चे खा भी लेंगे। तो मैं ज़्यादातर मालूम क्या करती, सब्जी तो कम ही बनाती हूँ पालक की, कढ़ी में डाल दिया या फिर पराठे बना लिए या फिर रोटी, तो आटे में मैं गूंद देती हूँ। तो बस ये कढ़ी हो रही है रेडी, और आज ना बहुत सारा काम करना है। एक तो मैं सोच रही हूँ पार्लर जाना है, थोड़ा सा फेशियल करा के आऊँगी। कल मुझे याद नहीं रहा, कल मैं मार्केट गई थी तो मुझे याद ही नहीं रहा। क्या बात है अनु, बैग कहाँ आपका, बैग लेके आओ, आ जल्दी आओ, बैग उठा के लाओ। क्यों उतरना नहीं है क्या? क्यों नए कपड़े पहन के कहाँ जाना है? कौन कह रहा है? क्या बोला अनु से? अनु कह रहा, पापा कह रहे हैं मुझे गांव जाना है। नहीं वो झूठ बोल रहे हैं बेटा। मैंने रखी हुई है चूड़ियां निकाल के, तो मैंने देखिए पूरी ये बास्केट खोल रखी है चूड़ियों की। तो मैं गई हुई थी पार्लर, तो मैंने सोचा मेहंदी रखवा के आ जाऊंगी और फेशियल भी करवा लूंगी, लेकिन मैडम मिली नहीं, कहीं गई हुई थी बुकिंग पे। और ये देखिए ये मैंने एक सेट बना के रखा हुआ है साड़ी का, और मेरी जो साड़ी है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी, पहले मैं दिखाती हूँ चूड़ियाँ। और ये वाली चूड़ियाँ देखिए मैं उस दिन लेके आई थी, जिस दिन साड़ियाँ खरीद के लाई थी ना उस दिन मैं चूड़ियाँ लेके आई थी। एक ये साड़ी की मैच की हैं और दूसरी ये है, ये भी ग्रीन है और दूसरा इसमें भी ग्रीन ही कलर है, ये हल्का फिरोजी है, और इसमें सभी में ना गोल्डन कलर मिक्स करवा लिया, गोल्डन कलर ना हर किसी में चल जाता है। तो ये देखिए मैंने रखी हुई है, क्योंकि फिर टाइम नहीं लग पाएगा तो मैंने ये देखिए सेट बना के रख लिया है। और ये वाली चूड़ियाँ हैं, मैं कल देखती हूँ ये वाली साड़ी पहनूंगी ये जो सेट लगा के रखा है, या फिर मैं पहनूंगी ये वाली। और बाकी ये देखिए ये सारी भरी रखी हैं, जो कि मेरी सारी साड़ियों की हैं, जो मेरी साड़ियाँ पहले की रखी हुई हैं ना, तो मैंने सफाई की थी तो मैंने इसमें कुछ भर के रख दी हैं, और कुछ मेरी रखी हुई हैं अलमारी में भरी हुई। तो बाकी मैं साड़ी दिखाती हूँ, जो मैं साड़ी लेके आई थी ना, साड़ियाँ निकाल के रखी हुई हैं। क्या करने जा रही हो? अच्छा सोनी कह रही मैं चाय बनाने जा। देखिए सोनी दिखा रही है साड़ी, आज सोनी दिखाएगी, खोल के दिखाना, मैं बैक कैमरा दिखाती हूँ। हाँ उसी वाली दुकान से लेके आई थी। देखिए एक तो मैं ये लेके आई थी बनारसी साड़ी, ये दिखा ना इसका पल्ला खोलना, और बनारसी साड़ी ना मैं पहली बार ही लेके आई हूँ अपने लिए, अभी तक मैंने पहनी नहीं है जब से मेरी शादी हुई है। देखो सोनी गई है अपनी सास को दिखाने के लिए, बाकी मैं दिखाती हूँ साड़ियाँ, ये देखिए रखी हुई हैं। मेरा ना ट्राईपोड टूट गया जब से, वो ज़्यादा दिक्कत हो गई है। देखिए एक है ये, अब की बार करवा चौथ पे ना साड़ियाँ ही साड़ियाँ इकट्ठी कर रखी हैं, और एक है ये, पन्नी से निकाल लूँगा। ये वाली साड़ी ना सबसे ज़्यादा अच्छी मुझे ये वाली लग रही है, इसका कलर है ना काफ़ी प्यारा कलर है इस वाली साड़ी का, और हल्की भी है ये, ज़्यादा भारी भी साड़ी नहीं है। और सारी साड़ियों के ब्लाउज सिलवा लिए हैं, फॉल भी लग गई है, यानी कि बिल्कुल रेडी है साड़ियाँ ये।
मैगी तो अब भी आती है, अब कौन सी सस्ती आती है। तो कल जो मैं पहनूंगी ना, तो मैं ये वाली साड़ी कल पहनूंगी, यानी कि करवा चौथ पे। और मैंने जो चूड़ियों का सेट तो लगवा लिया है, मुझे नहीं लग रहा है रेड कलर तो इसमें है, तो रेड तो मैच कर जाएगा, गोल्डन भी मैच कर जाएगा। ये जो है ना, ये ग्रीन कलर नहीं है, ये कलर शायद कम मैच करेगा। तो देखिए, एक है ये साड़ी। अब की बार मैं ऐसे कलर लेके आई हूँ, जो कलर मैंने पहना नहीं है वही वाला कलर लेके आई हूँ मैं। मैं ढंग से ना दिखा भी नहीं पा रही हूँ। और ये साड़ियाँ ना काफ़ी हल्की साड़ियाँ हैं ये, और इनको ना मैं घर पे भी धो सकती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हम मैं ड्राई क्लीन कराऊँ, घर पे भी ये धुल जाएंगी साड़ियाँ। तो सारी चार ये साड़ियाँ हैं, देखिए चार मैंने दिखाई है ना। सूट भी थे दो, देखिए पन्नी में ऐसे ना निकाल के रखे हुए हैं। एक तो ये है सूट, देखिए इसका कलर भी काफी प्यारा लग रहा है, फिरोजी कलर है इसका, देखिए है ना काफी प्यारा लग रहा है। और इस पे है ना प्रिंट है ये, देखिए। और दूसरा वाला है ये, ये देखिए इसमें तो शायद, हाँ गला इसमें भी दिया हुआ सूट में। और ये सूट ना दोनों अस्तल वाले सूट है ये, ये खोल के डाल दिए क्योंकि खोल के अभी देखे थे, सोनी ने अपनी सास को दिखाए थे ना, तो ये सारे खोल के डाल दिए। तो ये तो अभी सिले नहीं है, ये तो बाद में सिले जाएंगे, लेकिन जो साड़ियाँ हैं इनके ब्लाउज फॉल सब कुछ रेडी हो गया। क्या हो गया, ये कहाँ जा रहे हैं आज के टाइम ना, नींद नहीं आ रही है बिल्कुल भी। आनो आनो, शोर नहीं करना बिल्कुल भी। तो बस फ्री हो गए हैं खाना पीना खा के, और बच्चों को एक को भी नींद नहीं आ रही है, तीन में से शोर हो रहा बहुत ज़्यादा। सोनी इधर आना, और इधर देखिए मुझे छोड़ के अकेली चली गई, मेहंदी रखवाने वो भी एक हाथ पे रखवा के आई है, एक हाथ पे इसने रखवाई है। और मैंने इसलिए नहीं रखवाई थी, मैं इसलिए नहीं गई थी क्योंकि मुझे खाना बनाना था, बच्चे सुनने नहीं दे रहे कुछ भी, बच्चे इतना शोर कर रहे कुछ भी नहीं सुनने दे रहे थे। तो मुझे खाना बनाना था, इस वजह से मैंने मेहंदी रखवाई नहीं थी। मैंने इसको बोला था कि तू रखवा के आ जा, मैं बाद में लगवा लूंगी। तो अब मैंने बुलाया है मेहंदी रखने वाली को वैसे तो मैं पार्लर जा रही थी रखवाने के लिए, लेकिन मेरी पड़ोस में है तो उनकी बेटी रखती है, तो मैंने उनको बुलाया है, तो वो आ रही होंगी, तो उन पर मैं रखवा लेती हूँ दोनों हाथों पर। और बाकी काम से मैं बिल्कुल हो गई हूँ फुर्सत। देखिए सारी मैंने अपनी किचन कर दी है क्लीन, आ गई तो चलिए वो आ गई, अब मैं मेहंदी लगवा लेती हूँ। देखो मेहंदी लगवानी हो तो ऐसे लगवानी हो, आराम आराम से लेट के लगवा रही है। चलो मैं जा रही हूँ, कोई बात नहीं जीतू, कोई बात नहीं पहले लेने दे उसको। सोनी इधर लगवा रही है मेहंदी, मैं जा रही हूँ पार्लर, और गेट खोल देना ठीक है, आ जा। और अनु को मैं साथ लेके जा रही हूँ अपने। देखिए रात में 10:30 बज चुके हैं, अंधेरा हो चुका है बिल्कुल। डॉगी आएगी आनू के पीछे पड़ जाएगा डॉगी, है सुनसान हो गया इस टाइम पे बिल्कुल। मैं पहली बार अकेली आई हूँ इतनी रात में। गोदी ले लो, आ जाओ गोदी ले लो, आ जाओ। कहाँ है? आ रही है। खाली हो गई?